हाय गेटू, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग लवली फ्रेंड्स, की हालचाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और आज हम पाडुम में, और अभी मैं जा रहा हूँ भाई बाइक का कॉन्सेप्ट चेक करवाने। आई मीन टूट गया है तो चेंज करवा देंगे। और भाई यहाँ आके ना, ये देखो होठों का, गाल, नाक, सब स्किन बर्न हो चुके, सनबर्न हो चुका है। इतने अच्छे लेवल पे सनबर्न हुआ है कि भाई ये ना जलन हो रहा है, हाथ लगाने से भी जल रहा है। अभी हमने मंगवाया भाई ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह आलू प्याज पराठा, ऑमलेट, और क्या मंगवाया भैया साथ में, चाय, चाय, दही, चाय, दही, एंड दैट्स ऑल। और यहाँ से फ्री होके फिर अपन जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मेरे को कौन सा डलवाना है और चेन भी साफ करवा के ल्यूब वगैरह करवानी है। और मैं ट्राई करूँगा, अगर बाइक वॉश हो गई तो मैं करवा दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है बाइक। और ये रहे अपने नितिन भैया, लालू भैया, लाला जी, धीरज, धीरज भैया। तो लाला जी क्यों नाम रखा गया अभी आपका, फिर ऐसे प्यार से बोलते, प्यार से, ओके, सेठ जी को लाला जी बोला जाता है, तो हाँ ये भैया सेठ जी तो है भैया। अफ्रीका टूर मिलवा रहे मेरे को आप? बिल्कुल, कब चलना बताओ? कल चले, गुड़गांव आ जाओ। पीछे खड़े अपने धर्मेंद्र भैया, व्लॉगिंग एज यूजुअल स्टार्ट करने वाले सुबह की अपनी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद गोबरू पर। तो अभी हम सबकी सब निकल रहे हैं एक मैकेनिक को ढूंढने के लिए, बिकॉज सबको चैन लूप करवानी है, चैन क्लीन करवानी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और धर्मेंद्र भैया को सर्विस करवानी है, प्लस मेरा जो ये कौन सेट है ये जा चुका है। भाई पहली बार देखने को मिल रहा है कि पडुम में कोई बाइक मैकेनिक नहीं है, जिससे भी पूछो तो यही बोलता है कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैकेनिक होना ज़रूरी है। देख रहे हो क्या व्यू है भाई, सिंगल रोड सीधी, वहाँ देखो माउंटेन्स पे आइस बनी हुई है, कितने प्यारे माउंटेन्स लग रहे हैं यार, मतलब एक तरफ ड्राई एक तरफ आइसी। ये देखो ये कहाँ जाता है रोड यार, ऊपर शायद कोई विलेज वगैरह बना हुआ है, वहाँ के लिए ये रोड जाता है। भाई कभी इधर से उधर जाते हैं तो उधर से इधर आ जाते हैं, बट मैकेनिक मिलने पे नहीं आ रहा है। कार मैकेनिक से पूछा, लोकल नॉर्मल लोगों से पूछा, तो बोलते हैं बाइक मैकेनिक है ही नहीं। भाई बाइक है तो मैकेनिक्स भी होने चाहिए ना यार, या तो इन लोगों को पता नहीं है या फिर हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं भाई लेफ्ट, देखते हैं कहीं मिल जाए तो। आई थिंक कल रात को भी हम इधर ही आए थे यार, बट मिला कुछ नहीं था, ये कंफर्म है। मेरा कौन सेट भाई इतना हिल रहा है कि मैंने, मतलब अजीब सा डर है एक कि कहीं ऐसा ना हो हैंडल निकल के भाग जाए। तो देखते हैं जी क्या करवाया जाए क्या ना करवाया जाए, पहले तो मैकेनिक ढूंढते हैं, देन उसके बाद ही कुछ करवा पाएंगे। और मैकेनिक मिलते ही फिर चैन ल्यूब करवानी है, चैन क्लीन करवानी है, बाइक वॉश करवाने की सोच रहा हूँ। धर्मेंद्र भैया को अपनी बाइक की सर्विस करवानी है, मतलब ऑयल वगैरह सब चेंज करवाना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेट का सही करवाना है। और एक चेकिंग का साइन आ चुका है, होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो इसको तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन जो है भाई कॉन्सेट ही है, और चैन क्लीन करवानी है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरा कॉन्सेट जा चुका था, बट ये जो मेन बोल्ट था ना भाई, ये इतना ढीला हो चुका था कि बस ये हाथ में ही आने वाला था, और अभी मैंने टाइट कर दिया है, और नाउ बाइक इज परफेक्ट। और अब ये नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं। सो मैंने अभी जस्ट नितिन भैया से पूछा अपन कहाँ जाने, तो ही टोल्ड मी अबाउट द जांगला पैलेस। अभी हम निकले हैं भाई पाडुम टू जांगला पैलेस, और ये पड़ता है करीबन 28 किलोमीटर्स फ्रॉम पाडुम। रोड काफ़ी अच्छे हैं, अब देखो कितना टाइम लगता है, बाकी आगे जाके पता लग पाएगा टाइम कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। यहाँ एक आता है ये वाला पेट्रोल पंप पाडुम की जब एंट्री करोगे, और ये जाता है भाई कुमिक विलेज, वो देखो वहाँ दूर एक विलेज बना हुआ है। क्या सीन है भाई, देखो कहीं छाया है वो छाया है, बीच में धूप है, मतलब रंगत ही अलग है यार इधर। और वहाँ नीचे एक शायद रिवर है, उसका नाम मुझे नहीं पता, भी होना है। इसका मन करता है भाई ऐसे वाले रोड्स पे बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का, जहाँ अभी मैं बाइक चला रहा हूँ वहाँ पर। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। समझ रहे हो ना भाई क्या फीलिंग आ रही होगी हमें। व्यू आ रहा है भाई, क्या ही व्यू आ रहा है, अलग, बहुत अलग। जितने सामने से छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये उतने ही ज़्यादा बड़े हैं,
और यहाँ से छाजर कोई जगह है वो 6 किलोमीटर है एंड जांगला 17 किलोमीटर। और टाइम हो चुका है अभी भाई 1:30 और हम शाम 6 बजे तक वापस पहुँचेंगे आज। तो दुनिया जा रही है वहाँ से और मैं जा रहा हूँ ज़रा ऑफ रोडिंग करता हुआ। और ये है भाई ओल्ड जांगला पैलेस एंड हियर वी नाउ जांगला पैलेस। और बाइक अपन ने यहाँ पार्क कर दी है पीछे की तरफ, हेलमेट मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी सबने हेलमेट यहाँ रख दिया है। एनीवेज भाई ये ना 1200 साल पुरानी जगह है अभी मैं जहाँ आपको लेके चल रहा हूँ, पर 1200 साल पुरानी सोच भी नहीं सकते अपन यार। और ये एक हिस्ट्री है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हो और मैं एक स्क्रीनशॉट भी लेके डाल दूंगा इसका, आप प्लीज़ एक बार पढ़ लो, जो भी इसमें इंटरेस्टेड रखता है तो उसको प्लीज़ ज़रूर से पढ़ना। मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता ऐसी ट्रैकिंग वाले एरिया पे आने का, और यहाँ ऊपर लेके जा रहे हैं यार ये। ऑलरेडी 25-26 सीढ़ी चढ़ लिया हूँ स्टेयर्स और अभी भी ऊपर जाना है, आपके पैर के चक्कर पे जाना पड़ रहा है। और अभी मैंने एक जगह ना हेलमेट छुपा के रख दिया है, रुको आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ छुपाया है। दिख रहा है भाई यहाँ मैंने अपना हेलमेट छुपा के रख दिया है एंड वापस आऊँगा तो यहाँ से ले लूँगा। चलो अब चलते हैं ऊपर। और ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भाई, हाय हाय दिमाग खराब हो जाता है। वो देखो कहाँ पहुँच गए ऊपर और मेरे को मरवा रहे हैं नीचे। हे भगवान दिस इज द अजीब ही जगह, यहाँ ऊपर जाने का रास्ता वो लोग शायद यहाँ से गए हैं। आ जाओ भाई ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं। 10th century 1200 साल भाई। दिस इज द किचन, ये किचन है। This is the kitchen like for the administration like जो राजा के स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए जो यहाँ काम करते थे उनके लिए। ओके राजा का किचन अलग है ऊपर, like here is a winter room, summer room सारे ऊपर है। ओके तूला मिट्टी से बना हुआ। So I was telling the reason like why the doors and the windows are so small because to trap the heat inside. So if the doors are smaller with the smoke, I mean there was no heating system. Okay. So the heat has been entrapped with the small doors in the windows, so the smoke it doesn't go out in one go. That's how like you see all the roofs and these things are like black with the smoke. Yeah. Yeah, sari lakdiyan jo hai kali pad chuki hai, charcoal type mein ho chuki hai. It's good for the wood kyunki wo waterproof bhi ho jata hai, strong aur sadta bhi nahi ho. Okay. So, from the oil and the smoke. Bale upar राजा जी का बेडरूम एंड ऊपर सब कुछ। चलो चलो देख के आते हैं अब साथ साथ चलो, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन। किंग वाज बीन एंटरटेन बाय द पीपल एंड इफ देयर इज लाइक सम काइंड ऑफ लाइक अ कंप्लेंट बाय द पीपल लाइक द किंग यूज्ड टू सिट ऑन दैट यू सी लाइक विद बम्पी स्ट्रक्चर। ओके दैट वाज लाइक द फॉर द किंग ही वाज सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू द पीपल एंड एज वेल एज दिस इज द कोर्टयार्ड वेयर ही हैज बीन एंटरटेन एंड दिस ऑल मोस्ट ऑफ द wood are from the juniper tree which are banned now, you cannot find it. I mean this kind of tree is like in Hanupata there is a village called, but otherwise like you won't find it anywhere in Zanskar this tall structure wood. Okay pehle bolte hain ki these woods used to be up here on these mountains from which like the it was built. Okay. This palace. All right. Okay and when they decided to move the palace down, the village that doesn't have like any wood, so they took the wood from the house. That's why none of the house like around has any like roof structure. Yeah. They decide to keep the palace and move the villages down. Okay. That's how like you're standing on like 800-900 years old building. It's the courtyard. Where's the bedroom that you were talking about? It's here. It's here. This is the kitchen for the king. Okay. With the stove and everything. Okay. And connecting to it. He has a winter room up here. From the kitchen, he used to have like a smoke coming to the room, which heats up the room. Okay. So this is the his winter room. You can go. This is the winter room. It's a bit smaller as compared to the summer room upstairs. Okay. ज़माने के like लद्दाखी culture में ये हर घर में एक praying का prayer room होता है. हाँ जी. So this is ये एक वो room था. Prayer room. जो प्रेयर रूम, बाकी जो स्तूपस है
उस टाइम पहले अलग अलग जगह पे थे, अभी तो सारा कंपाइल करके एक ही जगह पे। ठीक है। उस टाइम बोलते कि कुछ चोरियां होता था, एक टाइम पे ऐसा था कि वी डजंट यूज टू पुट लॉक ऑन द पैलेस, एनीवन हु कैन विजिट दे कैन एंटर। ओके। आई मीन उस जब थोड़ा चोरियां हुआ उसके बाद लाइक वी स्टार्टेड पुटिंग लॉक्स। ठीक है, गॉट इट। एंड दिस आर द ओल्ड स्टैचूज, कुछ स्टैचूज वो हैं जो यहीं पे इसी पैलेस में पैदे हुए थे उनका ना। ठीक है। सो फॉर यू, सो दिस सोंगखापा the one of the founder of the yellow sect in Buddhism. Okay. So his two disciple Tsongkhapa Tapuk Gyaltsen and the other one is Tsongkhapa Chundus Gyaltsen. These two were born here in this palace. Okay. And this is the Avalokiteshvara and this is another form of Avalokiteshvara. So these statues are like very old, from the old time. We have like thangkas and everything, and these stupas, those are also made from the juniper wood. Mm-hmm. Under this wood there are like some frescoes, paintings on it. Okay. As well. So later like we think like we can just make it into a proper one. So because most of the gods statues like we cannot see it properly. Mm-hmm. So later like my plan is to like make it bit more like more space for the ones. And राइट, यू कैन सी लाइक एवरी बिट ऑफ द स्टैचूज। जो ये पैलेस है, जब मैंने उनको जो हिस्ट्री है कि जब टिबेट का लास्ट किंग सोनसांग गंपो, वो अपने तीन बेटे के साथ आया था लद्दाख। जो सबसे बड़ा बेटा था स्किल्दे यिमागोन, उसको मिला ले। जो दूसरा बेटा था उसको मिला टचिसगोन, उसको मिला गुगे। जो सबसे छोटा बेटा था देसुकोन, उनको मिला जंस्कर। और देसुकोन के दो बेटे थे, एक ने बनाया पदुम में, एक ने बनाया जंगला में। जो जंगला में जिन्होंने बनाया उनका नाम था मंगल दे इन 13th सेंचुरी। तो ये है द ओल्डेस्ट पैलेस, जो सबसे पुराना पैलेस है। एंड इस वैली में एक पैलेस है जो यहाँ से 1 hour वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ओके। तो यू कैन नॉट सी फ्रॉम हियर, हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। उसके सामने से जो रिवर बह रहा है लाइक दिस इज कॉल्ड द जुंगलम ट्रैक, अब यहाँ से ले जा सकते हो मरखा वैली पहुँचते हैं यहाँ से ट्रैक करके। सो इट्स 9 days ट्रैक, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक इन लद्दाख। इन माई लाइफ लाइक आई नेवर सीन लाइक एनी वन कम्प्लीटिंग दिस ट्रैक, एनी वन हु गोज देयर कम बैक, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस द रिवर 130 times, क्योंकि कभी रास्ता यहाँ होता है कभी उस साइड होता है। सो यू हैव टू कीप क्रॉसिंग द रिवर टू रीच ले 9 days, अदरवाइज द ट्रैक टू दिस पैलेस। जैसे लोग आते हैं लाइक दे पुट स्टोन्स, adding stones to it. Check it out guys. हाँ, ये मंत्र लिखे हुए सारे पत्थरों पर, देख रहे हो वहाँ पर है ऊपर हेलीपैड, और पता नहीं कहाँ से जाएंगे, शायद से आगे से जाना पड़ेगा। और वहाँ क्लिक करवाने वाले भाई हम ड्रोन से 2-3 शॉट्स, जो मिलेंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नीचे आ रहा है मेरा ये आईडी हैंडल बार, तो प्लीज़ जाओ जाके फॉलो करो, और वहाँ आपको मेरी सारे ट्रिप्स के फ़ोटोज़, स्टोरीज़, पोस्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर हेलीपैड है, अब देखना ये है कि रास्ता कहाँ से है। वहाँ आगे से शायद से रास्ता है जहाँ से ऊपर जाने का है। एंड नाउ वी आर एट हेलीपैड, तो अपन कराने वाले हैं भाई फ़ोटो। एंड ये रास्ता जा रहा है भाई कोई वाटरफॉल के लिए, मेरे दिमाग से नाम उतर गया है। और हम भी अभी वहीं जा रहे हैं, और यहाँ से जस्ट थोड़ा आगे अपने मुंबई के निखिल चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आई होप कि शायद हर कोई जानता ही है उनको, मोस्टली जो राइडिंग मैं इंटरेस्टेड हैं या फिर राइड्स के या फिर ट्रैवलिंग को लेके इंटरेस्टेड हैं, तो मुंबई करने के लिए हर कोई जानता है। ही इज़ द फर्स्ट मोटो व्लॉगर इन इंडिया, एंड वो थोड़ा आगे ही चल रहे हैं हमसे। शिला वाटरफॉल, वॉट एवर, नाउ वी आर गोइंग टू शिला वाटरफॉल। एंड इस गांव का नाम भी शायद शिला ही है भैया, शिला ही है। और यहाँ पर मुंबई कर निखिल एंड राइड विद राव बोथ आर, दोनों आए हुए हैं यहाँ पर, और वो सामने है भाई वाटरफॉल। हेलो, बाइकें तो यहाँ तक आ रखी हैं, हम ही क्यों खड़ी कर दी। लो जी, लो वो तो लो सर, प्लीज़ एक बार हाय कर दो। क्या कर दो? हाय कर दो, थैंक यू। तो भाई जो एक सपना था हो गया पूरा, हमारे व्लॉग्स में मिस्टर मुंबई के निखिल आए हैं, एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा नेचर था सर का, सच बता रहा हूँ, सच वर्ड बहुत अच्छे बंदे हैं भाई सच में। हाँ जी, तो की हाल चाल जी, अब जंगला पैलेस एंड शिला वाटरफॉल अपन करके आए हैं। बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था, सब कुछ बढ़िया था, परफेक्ट था। एनीवेज भाई लोगों,
एंड मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आ रहा हूँ चैन क्लीन करके और नेटवर्क आ नहीं रहा कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। एनीवेज भाई लोगों, बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड पे, एंड कल हम लोग जाने वाले हैं रंग रूम, कुछ ऐसी जगह, बाकी प्रॉपर नितिन भैया को पता है, एंड वहाँ से जाएंगे कोई रंग रूम ग्लेशियर एंड रंग रूम एंड पेनीला पास। तो यहाँ से करीबन बैठेगा पाडुम से करीबन 80 किलोमीटर आना और 80 किलोमीटर जाना, 90 मतलब मोस्टली 200 मान लो आप आना जाना, तो पूरा दिन आना और जाना लग जाएगा। और ये है धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया कैसी चल रही राइड? बहुत शानदार चल रही है, टोटली ऑफ रोड हो रही है आज, बहुत शानदार रोड देखने को मिली, मज़ा आ गया। ठीक है, अब कितने दिन और ऑफ रोड करना है भैया? कल भी शायद ऑफ रोड है। अच्छा, कल पूरे दिन की ऑफ रोड है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऑफ रोड मिलेगा, नहीं रोड ही रोड मिलेगा फिर। मोस्टली मेरे हिसाब से तो लमायरू के बाद मिलेगा, मतलब दो दिन के बाद मिलेगा अपने को रोड। एनीवेज भाई लोगों, तो अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि नेट आ नहीं रहा है व्लॉग अपलोड करने का, पूरा ट्राई कर रहा हूँ। व्लॉग एडिट होकर कंप्लीट हो चुका है, बट उसका रीज़न ये है कि नेटवर्क नहीं है। तो चलो जी, नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं, एंड अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए, जल्दी जल्दी आते रहेंगे व्लॉग्स आपके लिए। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye-bye, take care.